मेरी बेटी शालू की कॉलेज में दोस्त था, वो खुश है, सरकार से मिला है। उस रात कॉलेज की पार्टी के बाद घर तक लिफ्ट देने के बहाने उसने उसे गाड़ी में बिठा लिया और रास्ते में ही उस दुश्मन ने मेरी शालू की पुलिस में भी किया था मैं, और बेवकूफों की तरह कोर्ट में भी खड़ा रहा सरकार, लेकिन पुलिस और कोर्ट दोनों ने खिलवाड़ किया है उसकी इज्जत के साथ। मेरी बेटी पे इल्जाम लगा दिया कि वो पद चलने और शालू ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाए और मेरी बेटी ने छोड़ दी तो इन लोगों ने अदालत को यकीन दिला दिया कि मेरी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। सरकार मेरी एक ही बच्ची थी और वो भी मेरे मरने से पहले उसका बदला हाथ दिला दे। मेरी मरी हुई बेटी का अगली बार जब ये साहब उनका नाम सुने तो इनके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। मैं नहीं जानना चाहता वो कौन है। भूषण बांद्रा कार्टर रोड, बांद्रा कार्टर रोड, बंगला नंबर 14, बंगलो नंबर 14। अच्छा यार आज हम लोग मिले यार, वरना मिलने का कोई चांस नहीं था। दे रहा है बुड्ढा पेरिस का टिकट, अरे घर छोड़ दे। अरे चलना यार, लाल वाली मेरी है भूषण। तेरा नाम भूषण तो ये तो मार खाने वाला है, अगर बीच में आओगे तुम लोग भी खाओगे। अब तय करो, रहना है या जाना है। ए, कौन है भी तुम? कुछ करना यार,
चलो पीछे, चलो पीछे। सीधा खड़ा। सुला दे इसको। मनीष, ले तोड़ इसको। सर पे मत मार, जल्दी मर जाएगा। पाय तोड़। ए, क्या देख रहे हो? हाँ, कुछ काम नहीं क्या? चलो अपना अपना काम करो। तोड़। मत मार। इधर मार, इधर मार। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ। वो पूजा में मैं फोन करवाती हूँ। हाँ मदन, हो मी बराए नाई तू संग ताई संगू यार सुभाष, प्रॉब्लम है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद भी प्रॉब्लम है। तो कुर्सी किस काम की? खुराना की सोच अपनी जगह सही हो शायद, लेकिन इन लोगों का घर उजड़ गया तो ये क्या दरिया में जाएंगे? देख सुभाष, मैं तेरी बात समझता हूं, लेकिन खुराना ये सोचता है कि गरीबों से ये हमदर्दी सिर्फ एक बहाना है जिसके आड़ में तू गुंडे पाल रहा है। मैं किसी को सोचने से नहीं, करने से रोकता हूं। मैं तेरी नजरिए की कदर करता हूं, लेकिन मुझे भी अपने ऊपर वालों को जवाब देना है और मुझे जनता को। मैंने शीरा बनाया है सुभाष भाई आपके लिए। अरे अभी नाश्ता पूरा किया मैंने, थोड़ा तो ट्राई कर लीजिए। काका मेरा ड्रेस कैसा लगा? नया है? नहीं पुराना है। काका आप भी ना क्या क्या सवाल पूछते हैं, नया है कल ही खरीदा है। क्यों आज कोई खास दिन है? दिन खास ही तो है, आ रहा है ना वो आज। कौन? ओह शंकर। हे शंकर। चंदन कैसे हो? बस बैठ। पूजा, दिस इज चंदन, मेरे डैड के साथ काम करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। हाय डैडी। हाँ हाँ, बस अभी आई हूँ। मैं उसके साथ ही आई हूँ। उसके फादर क्या करते हैं? एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, उनका नाम सुभाष नागरे है। सुभाष नागरे, उसका बेटा कहाँ मिल गया तुझे? मतलब तुझे पता है कौन है ये सुभाष नागरे? इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा। मैं छोटी बच्ची हूँ क्या चॉकलेट खाने के लिए? और क्या? ये क्या है? मेरे तो कुछ पढ़ने नहीं पढ़ने वाला। It's very simple, बाबा। क्या सिंपल? काका को टीवी का रिमोट कंट्रोल तक हैंडल करने आता नहीं। वो शिंदे के आदमी ने फिर से नाटक शुरू कर दिया। मैंने आपको तभी बोला था, वही टाइम पे सीधा कर देते तो हमारे सर पे चढ़ के नहीं बैठे होते ये। शिंदे को कैसे ठीक करना है मैं जानता हूँ, लेकिन तेरी ऊंची आवाज का क्या करूं मैं? आपको मजाक लग रहा है? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। चल देख, पहले गाय तुंडे को शिंदे के पास भेज, फिर मुझे आके बताना। भाभी भैया कहाँ हैं? वो शूटिंग पर गए हैं।
सुपर रिंटू एंड फोर। हाय, कैसे हैं आप सर? कैसा है स्टार? बैठ बैठ। स्टार कैसा सर? आपने तो ब्रेक दिया है मुझे। काहे का ब्रेक बे? मैं क्या पागल हूँ? ऐसे किसी नए लड़के पे पैसे लगा दूँ? थैंक यू सर। जी सर। क्या तेरे में दम है समझा? थैंक यू सर। और ये लिपस्टिक लगाना बंद कर, हीरोइन से सुंदर लग रहा है तू। नहीं नहीं सर। वाओ, इट्स सो प्रिटी। आपकी वाइफ के लिए है? तुम्हारे लिए। थैंक्स विष्णु जी, लेकिन मैं ही कैसे ले सकती हूँ? बहुत महंगा है। रख। लेकिन रख। मैंने कहा ना, मैं चलता हूं। मेरा भाई आया अमेरिका से, वरना तेरे को डिनर पर ले जाता। क्या बोल रहा था वो? क्या है ये? गिफ्ट दे गया मुझे, अब हम लोग इसका क्या करें? ऐसे गुंडों का हम कर भी क्या सकते हैं? जी चाहता है साले का गला घोट दूं। एक एक बच्चे का बाप होते हुए भी ऐसी गंदी हरकतें करता है। भैया अनूप कैसा है? जैसे था पहले, मस्त। और विश्राम जी? राठौड़ के पार्टी में घुस गया हो? मदन राठौड़? और कौन? वही। क्यों? बाबा ने उसको अकल देना उसे। मी भरू का चालू निकला विश्राम। क्या सोचो लात पड़ी पिछवाड़े पे, सीधा मंत्रालय जाके पहुंच गया साला हरामी। विष्णु, कितनी बार कहा तुझसे बच्चों के सामने अपनी गंदी जबान बंद रखा कर। मैं तेरे से बात कर रहा हूं। किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे? तुझे कोई भी बात बता जाए तेरे भेजे में कुछ दे क्या? वर्ली वाले बिल्डर के ऑफिस में क्यों गया था तू? अकड़ रहा था इसलिए गया वहां पे। किससे पूछे गया था तू? अकेले काम संभालने की जिम्मेदारी है तुझमें। भाई आप पहले खाना खा लीजिए। बेटा और दाल लगो। दाल ले। लगो मंटल ना ही। तुम आ जाओ और करा गो तो है। तू तो चीकू से भी ज्यादा जिद्दी हो गया है। आप खाना खा लीजिए, खाइए ना। पूजा कैन आई कॉल यू बैक? थैंक्स, बाय। सरकार, सिल्वर मनी का फोन आया है, कल मिलना चाहता है। क्या रे पिस्तौल, कैसा है? ठीक है सेठ। अरे गंजा, तेल मिल रहा है आजकल मार्केट में, बाल उगाने वाले ट्राई करो। सलाम खान साहब।
मैंने सुरेंद्र को समझाया, सिल्वर मनी लाइट मैटर्स में कामरी करते हैं, सीरियस मैटर्स में मर्डर। बस खेल खत्म, दुकान बंद। चिक्कू बेटा, न टी न काफी न ठंडा, बस खाना खा के जाएगा। आप तो शर्मिंदा करते हैं मनी सेठ। काहे का सेठ सरकार, आप मालिक है। शंकर, आप मेरे बेटे से तो मिले होंगे। कैसे मिलते, ये तो हमेशा फॉरेन में रहते। आई सिल्वर मनी स्टाइल साउथ, ऑपरेशन कंप्लीट नॉर्थ। बोलो मनी, कैसे आना हुआ? वो यूनियन लीडर लोग आया मेरे पास, टेलीकॉम प्रोजेक्ट हैदराबाद से बॉन्डेड लेबर मंगाने का। मना किया था ना मैंने उनको। मालूम है सरकार, पर मैं क्या सोचा, आजकल पॉलिटिक्स में इतना ऑनेस्टी अच्छा नहीं, हम लोग घाटे में पड़ जाएंगे। मणि, कितनी बार समझाया मैं तेरे को, नजदीकी फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। क्या बोले तेरे को? ये बात मैं बोला मालिक। जान दे रे, समहो मैनेज। और क्या सरकार, मैं सब लोगों को बार बार बोलता हूं, मेरा स्टाइल साउथ मगर ऑपरेशन कंप्लीट नॉर्थ। ये आपसे सीखा मैं। वन मिनट सरकार, और एक काम है। हे, बुलाओ वो लड़के को। ये लड़का महेश एक्टिंग अच्छा करता है, अब तो बहुत फिल्म वालों को जानता है। इसको कुछ दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं करता मैं, तू तो जानता है। क्या बोले तेरे को? ये बात बोला मैं। विष्णु से बात कर, शायद उसकी फिल्म में कुछ काम निकल आए। आप फिर से जा रहे हैं? और क्या करूं यार, मैं तो बुड्ढे की बकवास सुननी पड़ेगी ना। आपके पिता हैं वो। उनकी तरफदारी करना बंद कर, मैं लाया तुझे यहां, भूलना मत। हाँ विश्राम, चल भौंक। ए विष्णु, ऐसे कैसे बात करता है तू? हाँ, तू तो जानता है मेरा प्रॉब्लम सरकार से है, तेरे साथ नहीं। तू मेरा दोस्त था और दोस्त रहेगा। चल चल ठीक है, ड्रामा बंद कर। काम कैसे चल रहा तेरा? काम आधा करता हूँ और नोट डबल छापता हूँ मैं। ये राठौर कैसे आदमी है? भोंदू है साला, इसलिए तो उसके साथ काम करने को मजा आ रहा है। अब तक उसको एड़ा बना रहे हम लोग। तेरी फिल्म कैसे बन रही है यार? फर्स्ट क्लास, सुपर डुपर हिट है। तेरे को लगता है वो तेरा हीरो चलेगा? और वो हीरोइन? कुछ किया क्या? ए, तेरे भाई के क्या हालचाल है? मजे करके आया अमेरिका से, और क्या। सुना है वो मोदी की छोकरी के साथ चक्कर चल रहा है उसका। क्या बात कर रहा है? फिर क्या, पूरी दुनिया जानती है। तो उसका क्या होगा? अवंती। कौन अवंती? अरे वो सावंती बेटी है, बाबा का जिगरी था। बाबा ने वचन दिया था मरते समय
शंकर की शादी जो है अवंती से होगी, तो उसे माँ बेटी घर पे। बेचारा सरकार, क्या करेगा सरकार? ऐसे मामलों में हम कर भी कह सकते हैं। पुष्पा, मैंने सावंत को जमानत दी थी, मगर तो फिर अवंती? बात करूंगा उससे। शंकर कहाँ है? शंकर, if you don't mind, can I ask you a question? Yeah. तुम्हारे डैड exactly करते क्या हैं? करते क्या है मतलब? लोगों की मदद करते हैं। मदद? यानी? मदद यानी अगर कोई अपना एक प्रॉब्लम लेके उनके पास आता है तो वो प्रॉब्लम वो अपना बना लेते हैं। शंकर, जब भी मैं उनकी फोटो देखती हूँ किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में, तो हमेशा उनके साथ आदमी गन्स लेके खड़े होते हैं। क्यों? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी? लेकिन किसी को उनसे दुश्मनी क्यों है? पूजा, जब कोई एक तरफ से लड़ता है तो दूसरा अपने आप दुश्मन बन जाता है। लेकिन शंकर, तुम्हारे बाबा है कौन आखिर किसी की तरफ से लड़ने के लिए? न्याय करने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे डैड अपने आप को पुलिस और कानून के ऊपर समझते हैं? वो नहीं, उनके लाखों चाहने वाले समझते हैं। मेरे डैड की राय उनके बारे में अच्छी नहीं है। और मेरी डैड की राय तुम्हारे डैड के बारे में कुछ ऐसे ही है। What do you mean? तुम ये कंपैरिजन कर भी कैसे सकते हो? मेरे डैड एक लेजिटिमेट बिजनेसमैन है। तुम्हारे और मेरे डैड में फर्क बस इतना है कि तुम्हारे डैड सिस्टम के अंदर रह के अपने फायदे के लिए काम करते हैं और मेरे डैड सिस्टम के बाहर रह के लोगों के फायदे के लिए काम करते हैं। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे डैड एक पैरेलल गवर्नमेंट है? अगर गवर्नमेंट का मतलब है लोगों की देखभाल करना तो हाँ, वो है। देखो पूजा, वो मेरे डैड हैं, मैं उन्हें जानता हूं। वो जो कुछ भी करते हैं लोगों की अच्छाई के लिए करते हैं। उनके तरीके अलग हैं, लेकिन ना ही वो क्रिमिनल है ना ही क्रिमिनल्स के साथ कनेक्शन रखते हैं। ओके? वो रशीद आपसे मिलना चाहता है। कौन रशीद? पहले नायक की गैंग में था, 2-3 मर्डर केस में नाम था उसका। पिछले 2-3 सालों से बैंकॉक और नेपाल में रह के आया है, पता नहीं क्या काम है आपसे। बुला देना उसको।
प्रीतम सेठ से कहो मुझसे आकर मिले। आपसे अकेले में बात करना था मेरे को। समझ लो मैं अकेला ही हूं। मेरा कुछ माल आने वाला है शिप से, शिकुटी गांव में। कम से कम 2 साल तक आता रहेगा माल। अब ये तो सब जानते हैं कि उस इलाके में आपकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो आपका आशीर्वाद चाहिए था हम लोगों को। हर कंसाइनमेंट का आपको 20 लाख मिलेगा। 20 लाख और वो भी डिलीवरी से पहले। देखो रशीद, मुझे नहीं मालूम कि तुम मेरे बारे में क्या सुनकर आए हो। मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि मैं कई ऐसे काम करता हूं जिन्हें कानूनी नहीं कहा जा सकता। वो इसलिए कि मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना। मेरे ये काम तरह तरह के लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं और मेरे बारे में अपनी एक राय बना लेते हैं। मैं नहीं करूंगा। 30 लाख? ए, बिकाऊ समझ रखा है क्या? जानता किसे बात कर रहा है तू? मेरा मतलब समझाने की कोशिश भी मत करना रशीद। मैं जानता हूं माल क्या है और क्यों हो रहा है। नहीं करूंगा मैं। सुनो, तुझे भी करने नहीं दूंगा। इस आदमी के बारे में जो कुछ जानने लायक है मैं जानना चाहता हूं। सौदिया को खबर भेज, मुझे आके मिला। तेरी आई कह रही थी कि तू वापस अमेरिका जाना चाहता है। हाँ, एक दोस्त और मैं कंसल्टेंसी फर्म शुरू कर रहे हैं। पूजा नाम है तेरे दोस्त का। कब मिलाना है? जब भी आपको फुर्सत हो।
सौतिया, ये रशीद। मुझे कुछ खटक रहा है। क्या सुहास नागरे को मारोगे तो? विश्राम जी क्या बोल रहा, देखिए सुहास। मैं यहाँ दुबई से लतीफा सुनाने नहीं आया हूँ। रशीद भाई, पूरी मुंबई में आग लग जाएगी। मुंबई की फिक्र नहीं है मुझे, साल में 200 करोड़ का धंधा रोज रोज नहीं मिलता, ये तो करना पड़ेगा, चाहे सरकार को मारना पड़े या उसके बाप को। विश्राम जी इसको समझाइए, ये दुबई से आया है, इसको बंबई के बारे में कुछ मालूम नहीं है, इसको समझाइए, आप ही बताइए इसको, बता। तुम्हारे दिमाग पे ताला पड़ा हुआ है क्या? बात तुमको समझ में नहीं आ रही? ठीक है, तुम लोगों को यह बेवकूफी करनी है करो, तुम लोगों को कुएं में कूदना है कूदो, मैं इसमें नहीं, मैं इस मामले में नहीं हूं, मैं चलता हूं। मैं इस बात को बाहर नहीं जाने दे सकता। रशीद भाई मैं गारंटी देता हूं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूं। रशीद भाई आप ठीक बोल रहे थे, मैं तो पागलों जैसी बात कर रहा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्या उसको मारना चाहिए? फैसला चुनाव से होना चाहिए, दबाव से नहीं। रशीद भाई, स्वामी जी का मैसेज आया है, वो मिलना चाहते हैं। सुभाष नागरे और सरकार को मारने में बहुत फर्क है। सुभाष नागरे एक आदमी है, सरकार एक सोच। आदमी को मारने से पहले उसकी सोच को मारना जरूरी है। मैं कुछ समझा नहीं स्वामी जी, बताता हूं। भी क्या सोचता है यार, उनसे बड़ा दिमाग वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ये सावतिया कौन है? मेरे बारे में इंक्वायरी कर रहा है? वो सरकार का खासम खास आदमी है, उसको लाइटली कभी नहीं लेना, ये सब मामले में हमारा भी बाप हो सकता है वो। मैंने क्या किया? hey,
एक तो चीटिंग करती है, ऊपर से झूठ बोलती है, कशाला करते है इसे। कोई चीटिंग क्यों करता है, जीतने के लिए। जीतना इतना जरूरी है? हाँ। किसी दिन हारना पड़े तो? हो ही नहीं सकता। मैं गेम की नहीं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। जब सरकार मेरे साथ हो तो मैं किसी से कैसे हार सकती हूँ। वेलकम। आइए आइए राठौर सर, आइए आइए। शंकर कैसा है बेटा? ठीक हूँ। हाय राठौर साहब, ये पूजा है। नमस्ते। नमस्कार खुराना साहब, व्हाट एन ऑनर। आइए आइए आइए, जरा हटिए, आइए सर, आइए। खुराना साहब, आपका काम नहीं हो सका। सुभाष का इरादा बदलना नामुमकिन के बराबर है। मेरी राय में सुभाष का नजरिया भी पूरी तरह से गलत नहीं है। हिंसा किसी मसले का हल नहीं होता। कोई भी आदमी हिंसा के उपयोग से अपनी मनमानी करता फिरे, ऐसा आदमी समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं क्यों डरूं? ये तो सच है, गरीबों का घर बसाने की आड़ में कुंडे पाले जा रहे हैं, और इस प्रोत्साहन के पीछे एक ही आदमी है, सुभाष नागरे। खुराना साहब की बातों में आपके लेवल की थिंकिंग है। जनता सुभाष नागरे को नहीं जानती, इसलिए वो उसको पूजती है, अपना मसीहा मानती है, पर असलियत में वो एक गुंडा है। तो मेरे ख्याल से प्रजातंत्र में पब्लिक का सपोर्ट भी बढ़ रहा है उसके लिए, इसलिए तो फुदक रहा है ना मेंढक की तरह। एक कान के नीचे बजाओ, सब सही हो जाएगा। सरकार पहले ही आदमी अपनी एक हैसियत में रहता था, लेकिन अभी तो प्रेस में टीवी पे खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है हमारे खिलाफ। पुष्पा जरा अचार लाना। खुराना साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके जैसे आदमी का इस दुनिया में रहना बहुत जरूरी है।
मोतीलाल खुराना की हत्या को लेकर शहर में सनसनी मच चुकी है। सभी के मुंह पर अब बस एक ही सवाल है कि ऐसे अहिंसावादी और लोकप्रिय नेता की हत्या आखिर कौन करवा सकता है। और अब मौसम की जानकारी, दिल्ली में मौसम का हाल कुछ ऐसा रहा। इसके बारे में कुछ पता चला? सबको लगता है आपने मरवाया इसे। मामा, मेरा आइसक्रीम। चिकू, अभी चलो। तो भी ये सोचता है कि मैंने मरवाया? नहीं। ये सिर्फ मैं नहीं, हर कोई कह रहा है। हर कोई यानी कौन? पूरा शहर, किसी से भी पूछ लो, सब कह रहे हैं कि ये तुम्हारे डैड का काम है। सबके कहने से झूठ सच नहीं हो जाता। जैसे तुमने ना कुछ समझे या जाने बिना अपना फैसला कर लिया है, वैसे हजारों और ने ना कुछ समझे और जाने बिना अपना फैसला कर लिया कि ये मेरे डैड का काम है। कुछ तो होगा, नहीं तो इतने लोग। Just stop it, Pooja. Enough. You trust me? तुम ये तो इनकार नहीं कर सकती कि मैं अपने डैड को तुमसे या किसी और से बेहतर जानता हूं। उन पे ना सही, मुझ पे भरोसा रखो। उन पे शक करने का मतलब होगा कि तुम मुझ पे शक करती हो। Congrats. For what? मैंने सुना तुम्हारे और पूजा के बारे में। Oh. शंकर, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? Yeah. बचपन से। मेरी गलती थी, मैं सोचती थी तुम भी ठीक है। I'm sure वो बहुत सुंदर होगी। अवंतिका। रिलैक्स शंकर, मैं पूरी रात रो चुकी हूं और अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच रियली, कसम से। तो फिर तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? उससे शादी करने की सोच रहे हैं। किससे? उस फिल्म की हीरोइन से? कहाँ है विष्णु अभी? पका क्यों रहा है बे? बोलना क्या हुआ? अरे तेरी फिल्म वाले हंस रहे हैं तुझ पर साले, कि तेरे को छोड़कर बाकी सब जान चुके हैं कि तेरी हीरोइन और हीरो के बीच में क्या चल रहा है। एक भगत, अपने औकात मेरा समझा, अगर ठोक दूंगा तेरे को मैं। मारेगा मेरे को? हाँ साले, मैं तेरे भले की सोच रहा हूँ, तू मेरे को मारने की बात कर रहा है? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है साले। देख विष्णु, मेरे पास मेकअप वैन के अंदर की वो वीडियो टेपिंग है जिसमें तेरी हीरोइन और हीरो का लफड़ा छप चुका है, वो मैं भेज रहा हूँ तेरे को। तू खुद ही देख लेना वो लोग क्या कर रहे हैं और तेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, समझा? विष्णु की नस नस को जानता हूँ मैं। काम हो जाएगा स्वामी जी, 200%।
वहां पे 150, 1500 या 1.5 लाख लोग भी होते ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कोई जानता है वो सरकार का बेटा है। एक आदमी भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा। वो हीरोइन भी डर रही उससे। पता नहीं सुभाष ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो ऐसा बेटा मिला है उसे। सर गुंडागर्दी में भी वो उसका बाप है। हाँ मैं जानता हूं आप मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आई एम 100% श्योर सर, ये खुराना का मर्डर भी सरकार ने करवाया है। मैंने तुम लोगों को कई बार बोला है कि सुभाष को तुम लोग समझते नहीं, उसके बेटे की बात अलग है, लेकिन सुभाष ऐसा नहीं है। जब आपके हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा होता है तो आप भी यही करते हैं। मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, न्याय करते हैं आप। अच्छा बहाना मिला है, न्याय के नाम पे जो मर्जी आए कर लीजिए आप, वही अगर मैं करूं तो अन्याय हो गया। विष्णु भाई तुम थोड़ी तमीज से बात करो, सरकार से बात कर रहे हो तुम। और तू कौन है बीच में बोलने वाला? देखो विष्णु भाई मैं चंदर, तू मान क्यों नहीं लेता कि तूने गलती की? काहे की गलती आई? वो कल का लौंडा मेरी उंगली पकड़ के ऊपर आया था और उसने मेरे पीठ पीछे आप ही तो ज्ञान दिया था ना, जब ताकत है तो इस्तेमाल करना चाहिए। किया मैंने इस्तेमाल। ताकत का मतलब तेरी समझ के बाहर है विष्णु, ताकत लोगों को जोड़ने से बढ़ती है, उन्हें खिलाफ करने से नहीं। तो आप अपना ये भाषण अपनी उस जनता के सामने झाड़िए जिन्हें आप बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। मेरे पे नहीं चलने वाला ये सब। अपनी हद पार कर रहे हो विष्णु भाई। तेरे को मैंने क्या बोला? हाँ दोबारा मुंह खोलाना ठोकूंगा तेरे को यहाँ पे। इस कुत्ते को समझाइए, मर जाएगा मेरे हाथों। इसकी मां को विष्णु, आई तू कशप कशप, तू जानती नहीं संदर के बच्चे को, काम में कितना घपला करता है ये। यहाँ जो काम करता है मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। लो अब नौकर की तरफदारी शुरू। आप है ना, आपकी दाद देता हूं, आपकी सोच एकदम निराली है दुनिया से, एकदम डिफरेंट। कोई लाखों का मुनाफा लेके आता है लेकिन आप उसे भगा देंगे, क्यों? क्योंकि हमें फायदा होगा ना, आप झेल नहीं सकते इस बात को, ना खुद धंधा करेंगे ठीक से ना हमें धंधा करने देंगे। ए विष्णु तू बात को कहां से कहां लेके जा रहा है? सरकार ने तेरे से सिर्फ इतना पूछा है कि तूने उस आदमी को क्यों मारा। तो मैं भी पूछ सकता हूँ खान, तुम्हारी सरकार ने उस खुराना को क्यों मारा? भैया संभल के। ए तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं मालूम। तू वहां था ना फॉरन में, तुझे क्या लगता है बे तेरा बाप संत है? जानता नहीं है बे तू अपने बाप को? विष्णु अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाऊं। आज के बाद इस घर के आसपास देखने की गलती मत करना। जा निकल। अमृता, अमृता और चीकू कहीं नहीं जाएंगे। से मिलने सुभाष नागरी आ रहा है। क्या किया? ए, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? एक्चुअली गलती मेरा ही था, मेरे को मालूम होना चाहिए था कि तू कितना सरफिरा आदमी है।
साला कुछ भी कर बैठता है। अच्छा होता कि मैं तेरे को सीढ़ी ही नहीं भेजता। साला कल का लौंडा। मैंने आज तक किसी बेकसूर इंसान को कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाई है और ना ही किसी को ऐसा करने पर माफ किया है। वो कोई भी हो, मैं तुम्हें आज ये बताने आया हूं कि तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तेरे बाप के सपोर्ट से उसे रोहिणी ने तेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया है और तेरे नाम का वारंट भी निकल चुका है। पुलिस किसी भी वक्त यहां आ सकती है, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरे छुपने का बंदोबस्त कर दूंगा। सरकार, वो खुराना का कातिल पकड़ा गया। कौन है? अंसारी नाम है उसका। किसका आदमी है? पता नहीं, लेकिन उसने स्टेटमेंट दिया है कि खुराना को मारने का ऑर्डर आपने दिया है और होम डिपार्टमेंट आपके नाम का वारंट निकाल चुका है। बोल मदन। सब लोग ठीक ही कहते थे तेरे बारे में। मैं ही एक बेवकूफ था जो तुझे पहचान नहीं पाया। सुभाष, बस हुआ अब तेरा ये ठोक। अब देखता हूं तो कैसे बच के निकलता है। कभी कल्पना तक नहीं की थी कि नागरे अपनी ताकत के प्रदर्शन में इस हद तक गिर सकते हैं। कमिश्नर एसपी पाठक तो यहां तक कह चुके हैं कि ये नागरे के गुंडा राज के अंत की शुरुआत है।
Kadamba! मैं तुम्हें इस जंगल में खींचना नहीं चाहता, इसलिए इसी वक्त जितनी जल्दी हो सके वापस अमेरिका लौट जाऊं। नहीं बाबा, मेरी फिक्र मत करो तुम, मैं अपने आप को संभाल सकता हूं, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं और ना ही तुम्हारा कोई लेना देना है। समय बर्बाद मत करो, इसी वक्त वापस चले जाओ अमेरिका, जाओ। आप मेरे लिए चिंता मत करिए बाबा, मैं भी अपने आप को संभाल सकता हूं। हां, मैं मानता हूं कि इस मामले के बारे में मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तू शायद सही कह रहा था कि रशीद का हाथ है इसमें, लेकिन सरकार ने रशीद का काम सौतिया को दिया था, उसका क्या हुआ? मैं 3-4 बार फोन किया था उसको, उठा नहीं रहा था। मैं खुद जाके देखता हूं। सौतिया, बच्चे को लॉकअप में जाके ठोक डालते हैं। बेवकूफी होगी। क्या बेवकूफी? चूड़ियां पहन के बैठे रहे क्या? चिल्लाओ मत।
तुम अकेले नहीं हो जिसको फिक्र है। अगर हमने अंसारी को छुआ भी तो बाबा के खिलाफ ये झूठा केस सच हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे शंकर। मैं यहां तुमसे कोई बहस करने या तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सुनने नहीं आई हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शंकर, आई लव यू। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है लेकिन तुम्हारे फैमिली पर नहीं। मैं वापस अमेरिका जा रही हूं। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं। पूजा। शंकर, I just want a yes or no. खबर मिली है कि रशीद जेल के अंदर ही सरकार पर हमला करवाने वाला है। कौन हो तुम? सर, मैं सुभाष नागरी का बेटा हूं। तो सर, मेरे डैड पे अटैक होने वाला है। अरे, तेरा बाप जेल में है और जेल से ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी और कहाँ होगी? सर, आप भी जानते हैं कि हमारी जेल के अंदर क्या क्या होता है। मेरे डैड की जान खतरे में है। मैं चाहता हूं कि आप फौरन कुछ एक्शन लें। तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? बेटा, ऐसा नहीं करते क्योंकि ये तुम्हारे बाप का दरबार नहीं है, है ना? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। छोड़ना यार। मरता है तो मरने देना। क्या है, आज तक उसने जो कुछ भी बोया है वही उगने वाला है कि नहीं? सर, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तुमने अगर ज्यादा अपनी जबान चलाई ना तो वही जबान मैं खींच के तेरे हाथ में रख दूंगा। हाँ, कितने पहुंचे वहां से? क्या कहा तुमने? कितने पहुंचे वहां से? जा, तेरे बाप से जाके कह ये किया है मैंने। चल जा, चल। हाँ। तो भैया, मैं कह ये रहा था आपसे। शंकर, इन हालात में हमारी मदद सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। सिल्वर मनी।
इसी डैड के अरेस्ट के बाद हमारे सारे कॉन्टैक्ट हमारी मदद करने में डर रहे। मैं तो ये भी नहीं जानता कि उनके साथ कौन कौन मिला हुआ है, और अभी खबर मिली है कि ऋषि जेल के अंदर डैड के ऊपर अटैक करवाने वाला है। आपको कुछ करना ही होगा, प्लीज। लेकिन बेटा मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ मैं क्या कर सकता, तुम्हारा बाप सटिया गया, ना खुद खा रहा ना हमको खाने दे रहा। पब्लिक का भला करने के चक्कर में हम सबका बैंड बजा दिया। मनसा वाचा कर्मणा मैं बोल रहा हूं, ये सच है। तुम्हारा बाप का उंगली पकड़ के मैं ऊपर आया, मगर मेरे को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी सही, मेरे को भी पब्लिक को सेवा करना, धंधा है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, और क्या चॉइस है मेरे पास बताना मुझे। मैं बोला ये लोगों को, तू बच्चा है, तू कुछ नहीं कर सकते, मगर ये लोग नहीं चाहते कोई रिवेंज लेने को ट्राई करे। यू आर ए स्वीट बॉय, यू नो एवरीथिंग, तुम्हारा कोई गलती नहीं इसमें, मगर फंस गया। बैड लक तुम्हारा नहीं मेरा, मैं बहुत सैड फील करता। गॉड ब्लेस यू। ओके पॉइंट को आ रहा, रशीद भाई किधर मारे गए लोगों को? इधर मत मारो यार, बाहर लेके जाओ, मैं नहीं देख सकता हूं। रशीद और एक हेल्प करो, सरकार और मेरी दोस्ती की खातिर इसको इमीडिएटली क्लीन बॉल करो, डायरेक्ट ब्रेन नहीं तो हार्ट। याद रखो ज्यादा पेन नहीं रखना, सरकार को मुझे इतना कंसेशन देना पड़ता।
गोलशंकर। देखिए सुभाष नागरी पे अटैक होने वाला है। तुझे कैसे पता? पूछताछ के लिए वक्त नहीं है, जल्दी किसी को भेजिए। पहले यहाँ की सिक्योरिटी दे। मैं पहले पहले बोला था चेन्नई से एक शूटर को लाएगा। उन्हों खोपड़े खोपड़े पे एम लेता था। एक ही बुलेट खोपड़े में एम लेता था। एक ही बुलेट क्लीन बाउट। सरकार का नेशन का क्लोज। तू क्या बोला? दुबई का शूटर बहुत एक्सपीरियंस है। उसके क्या बोलते हैं? हाँ, ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट। गोर मत आंखें निकाल देती। ये सरकार का बात है, बच्चों का क्या नहीं? ये नडा मुट्ठर अपड़े पाकर मनसे लाइफ एंड डेथ है। समझा? क्या समझा नहीं? उन्हों सरकार है। एक एल्बोट को लाके सरकार को एम करते रहे। उन्हों टच मत करना। उन्हों टच करे तो उन्हों चले जाना, नहीं तो हम चले जाना। ये चिल्ड्रन का खेल समझाए क्या? गुर मत मनी सेन, जो हो गया तो हो गया। अभी आगे की सोचो। क्या सोचना आगे की? तुम्हारा क्या मालूम है? तुम चुप रहो। देखो मनी सेन, मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, तुम इज्जत से बात करो मेरे साथ। उन्होंने हमारे पीछे पड़ती क्या? मैं इससे बात कर रहा हूँ। हम लोग सुनते जा रहे हैं, तुम बोलते जा रहे हैं। चलो अभी बहुत हो गया। चलो देखो, इंक्वायरी कर रहे हैं आप। देखिए आप लोग, देखिए आप लोग शांत हो जाइए। एक बार में एक आदमी सवाल करे। देखिए ऐसे नहीं होता, प्लीज। एक आदमी बोल। कब? विष्णु भाई की खबर मिली है, विश्राम भगत के यहां छिपा हुआ है।
शंकर, बाबा बुला रहे हैं। सिल्वर मनी, रशीद, विश्राम भगत, और अभी खबर मिली है कि भैया उनके साथ है। विश्वास हो गया है कि सुभाष नागरे पर जानलेवा हमला करने वाला खुराना का आदमी नहीं था। इससे ये संभावना भी सामने आई है कि खुराना के कत्ल के पीछे शायद किसी तीसरी पार्टी का हाथ हो। जनता के मन में अब ये सवाल उठा है कि कहीं ये सब खुराना और नागरे के आपसी विरोध का राजनीतिक फायदा उठाने की एक साजिश तो नहीं। थैंक्स। किस बात के लिए?
जिस तरह तुमने डैड की देखभाल की। मैं ये जानती हूं कि तुमने कभी मुझे उस तरह नहीं देखा, जानना चाहती हूँ क्या तुम शंकर, शाबाश, कमाल कर दिया तूने। उस कमिश्नर को निकाल दिया मैंने। सुभाष, हो सके तो मुझे माफ कर देना। हर किसी की तरह मुझे भी धोखा लग गया था। शुक्रिया भाभी, शुक्रिया। तुझे क्या लगता है कौन कौन लोग हैं इस सब के पीछे? अब हम सब लोग गए, सरकार को हम सब के बारे में मालूम पड़ गया है। अब हम एक के बाद एक मरेंगे, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं जानता है उसको। मैं तो तमिलनाडु जा रहा हूं, सुनामी के बाद जो बचे कुछ गांव होंगे उसमें से एक गांव में मैं सेटल हो जाएगा। तुम दुबई जाओ, अरुणको नको सरकार का पहुंच उधर तक है। एक काम करो, उधर सैंड रहते हैं ना, उसमें डिगिंग करके चुप जाना। तू तो गया विश्रम, तू मर गया तो भी सरकार तेरे को फिर जिंदा करके मारेगा। स्वामी जी, तुम्हारा पोजीशन सेफ है, फुल वॉल्यूम रख के हरे रामा हरे कृष्णा बोल के दो तीन भजन गा के मस्क मारो। बहुत जल्दी मीटिंग होने वाले है। आपकी बातों में आया मेरा जिंदगी में ग्रेटेस्ट मिस्टेक। इतना मचमच गए को उसके घर जाके मारेंगे उसको। सरकार को घर जाके मारेगा? उसका घर घर नहीं है, किला है किला। अंदर पूरी आर्मी रहती है और बाहर सिक्योरिटी। उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। बेटे, इस शरीर के मोह माया जाल में फंसकर गलती मत करना। शरीर केवल आत्मा का प्रतिबिंब होता है, ये समझ ले। तू अपने बाप को नहीं उसके शरीर को मार रहा है। हाँ, वैसे भी विष्णु कितना देर जिंदा रहेगा तुम्हारा बाप? 10 साल 15 साल, फिर तो ये होना ही है। जब तक सुभाष नागरे जीवित है तब तक विष्णु नागरे तो
कंगाल ही रहेगा। सच पूरा लाइफ दबा के रखा है इसको। देख विष्णु, तू तो जानता ही है कि तेरे बाप से ज्यादा ही किया हम लोगों ने तेरे लिए। कल अगर हम लोग नहीं होते ना तो अब तक तू जेल में चक्की पीस रहा था, जानता है ना तू। अर्जुन ने भी अपने सगे संबंधियों को अपने हाथों से मारा था। ए विष्णु, राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता है, सरकार खुद ही बोलता है ना, जिसके पास पावर है उसका रॉन्ग भी राइट हो जाता है। से कह रहे थे काम करने को, बाबा का बुरा बेटा हूं ना मैं, लेकिन बेटा तो हूं। अल्लाह माफ कर शिल्का, शंकर गलती तो सबसे हो जाती है, अब वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा, वो अपना सबक सीख चुका है। खुद क्यों नहीं आया? आपसे नजर मिलाने से कतरा रहा है, कहिए ना उसे घर में आने दूं।
हेलो विश्राम। हाँ विष्णु बोल। सरकार खत्म। शंकर को भी ठीक कर दिया मैंने, वापस भाग रहा है साला अमेरिका। अब सब कुछ अपना है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। क्या? सरकार खत्म। क्या? सरकार खत्म। सरकार खत्म हो गया। खत्म। सरकार खत्म हो गया। सरकार खत्म। ये दिल मौत के बोल। सरकार खत्म हो गया। ये दिल मौत के बोल।
हारने के लिए मेरा यहां होना जरूरी नहीं। लेकिन तुम्हें मरते हुए देखने का मजा मैं खोना नहीं चाहता था। बेटा, भगवत गीता में लिखा, मैं भगवान में नहीं मानता। अब तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, या तो अपने भगवान से मिलो या मुझसे। आओ शंकर बेटे, आओ बैठो। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम निकला पड़ा? रशीद मर गया, सिल्वर मनी, विश्राम भी, ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि जब कोई मरता है सबसे पहले उसके करीबी लोगों को बताया जाता है। मतलब मैं हमेशा से जानता था कि आप उनके पीछे हैं। वो थे, बंदूक आप।
सरकार के होते हुए आप चीफ मिनिस्टर होकर भी एक कठपुतली से ज्यादा और कुछ नहीं थे। आपकी ताकत तभी बढ़ती है जब सरकार की ताकत खत्म हो जाती है, और इस काम के लिए आपने रशीद और विश्राम भगत को इस्तेमाल किया। जिस आदमी की मदद से आप सरकार की सोच को मारना चाहते थे, उसी आदमी की मदद से मैंने आपकी सोच को मार दिया। आपके अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस, ब्लैक मनी, फॉरेन बैंक अकाउंट्स का खाता वीरेंद्र स्वामी ने सीबीआई की टीम के सामने खोल दिया, जो किसी भी वक्त यहां पहुंचती होगी। बच्चों, सरकार चलाता हूं मैं, चीफ मिनिस्टर हूं मैं, चाहे स्वामी गवाही दे या कोई भी गवाही दे, दो दिन में इंक्वायरी से बाहर निकल जाऊंगा मैं। उसको इतना मारा कि जान ही ले ली उसकी। फिर बाद में उसकी बॉडी रास्ते पे फेंक दी और झूठी रिपोर्ट बना दी, बोले गैंगस्टर था। पुलिस पे हमला किया उसने। मैं उन लोगों को सजा दिलाना चाहती हूँ, मैं बदला लेना चाहती हूँ। मेरे मर्द को इंसाफ दिलाइए, मेरे मर्द का बदला दिलाइए।